गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे शहर का हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए मंगलवार को 14 प्रत्याशियों सहित 17 लोगों ने किया नामांकन। माँ और बेटा भी आमने सामने। लोकसभा उपचुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन तैयार। डीएम और एसएसपी ने दी तैयारियों की जानकारी। भाजपा के जनसभा में कार्यकर्ताओं ने लोकसभा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल के जीत की भरी हुंकार। माइक्रो ऑब्जर्वरों का हुआ चुनावी प्रशिक्षण, दी गई तकनीकी जानकारियां। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार उड़न दस्ता टीम का हुआ गठन, दो अधिकारियों के बदले गए कार्य क्षेत्र। टूल पकड़ता जा रहा है चीफ प्रॉक्टर द्वारा छात्रों पर की गई कार्रवाई का मामला। छात्रों ने कुल सचिव का किया घेराव, की चीफ प्रॉक्टर के निलंबन की मांग। 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लूजी मतदाता जागरूकता रैली को करेंगे संबोधित। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भारतीय कला एवं शिल्प विषय पर आयोजित हुई व्याख्यानमाला, वक्ताओं ने रखे अपने विचार। 24 फरवरी को गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित होगा पांडुलिपि छाया प्रदर्शनी और तत्व बोध व्याख्यानमाला। 3 दिवसीय क्षेत्रीय चित्रकला प्रदर्शन का हुआ समापन, प्रतिभागियों को दिया गया कैटलॉग। मानदेय को लेकर संयुक्त संविदा कर्मी जनहित संघर्ष मोर्चा के लोगों ने नगर निगम पार्क में किया प्रदर्शन। खादी एवं ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ समापन। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार गोरखपुर में 21 फरवरी को आ रही है मोबाइल लोक अदालत वैन। वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज महुराव हरनही में आयोजित हुआ 7 दिवसीय एनएसएस शिविर, वक्ताओं ने रखे अपने विचार। और 67वीं अंतर जनपदीय उत्तर प्रदेश पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप का हुआ आगाज। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन 14 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसको लेकर अब तक कुल 17 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिला किया है। वहीं 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दोबारा दाखिल किया है। गोरखपुर के इस उपचुनाव में माँ और बेटा भी आमने सामने आ गए हैं। मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में भारतीय जनता पार्टी के उपेंद्र दत्त शुक्ल, कांग्रेस से डॉक्टर सुरीता करीम के अलावा बहुजन मुक्ति पार्टी से अवधेश कुमार निषाद, समाजवादी पार्टी से रामनगीना साहनी, निर्दल प्रत्याशी के रूप में अच्छेलाल गुप्ता, पूनम विश्वकर्मा, जयप्रकाश गुप्ता, विजय कुमार राय, नरेंद्र कुमार महता, अरुण कुमार, अशोक मालती निषाद, श्रवण कुमार निषाद और भारतीय राष्ट्रीय जनहित पार्टी के शैलेश कुमार शामिल थे। वहीं समाजवादी पार्टी से प्रवीण निषाद और सर्वोदय भारत पार्टी के गिरीश नारायण पांडे ने दोबारा नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके पहले समाजवादी पार्टी के प्रवीण निषाद, सर्वोदय भारत पार्टी से गिरीश नारायण पांडे और निर्दल राधेश्याम सेहरा नामांकन कर चुके थे। आज के नामांकन में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण निषाद की माता निर्मलाल निषाद और उनके भाई श्रवण निषाद भी नामांकन किए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नामांकन के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रत्याशियों ने अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए बताया। Thank you.
3 बजे तक का टाइम है, तो क्या उम्मीद है कि बदल? आइए कहाँ पे है? देखिए, सबसे जो जरूरी मुद्दा है गोरखपुर के लिए वो ये है कि गोरखपुर के विकास की रफ्तार तेज हो। गोरखपुर में विकास की उम्मीद करके लोगों ने केंद्र में सरकार को और प्रदेश में सरकार को चुना है, लेकिन गोरखपुर की जनता छली जा रही है। अभी तक विकास का कोई ठोस कदम उठाया हुआ दिख नहीं रहा है। दूसरा जो गंभीर मुद्दा है जिसकी वजह से गोरखपुर नेशनल ही नहीं केवल इंटरनेशनल मीडिया में जाना जा रहा है, वो है इनकेफ्लाइटिस से जो बच्चों की मौतें हो रही हैं, माताओं की गोदें सूनी हो रही हैं। तो उस मुद्दे को प्राथमिक तौर पे उठाने के लिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा पेशे से मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ और गोरखपुर के इनकेफ्लाइटिस के मुद्दे को पिछले 30 साल से देख रही हूँ किस तरह से ये गंभीरतम होता जा रहा है और सरकारों द्वारा उस पर प्रॉपर रवैया नहीं उठाया जा रहा है, प्रॉपर कदम नहीं उठाया जा रहा है। इनकेफ्लाइटिस को नेशनल प्रोग्राम में ला के उस पर एक ठोस रणनीति बना के उसको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ देना, यही हमारा प्राथमिक मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जो है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है कि एक महिला को उतार के हमारे हाईकमांड ने ये संदेश दिया है कि महिलाओं को वो इज्जत देती है। महिलाओं का 33% का जो आरक्षण का बिल है जो अभी तक अधर में लटका हुआ है, संसद में पास नहीं होने दे रहे हैं सरकारें, तो उस बिल को पास कराना, उसमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देना, यही एक मुद्दे हैं जिसके द्वारा हमारी पूर्वांचल की महिलाएं जो कि बहुत कमजोर हैं आर्थिक और शारीरिक रूप से, उन सबको स्वस्थ गोरखपुर, सुंदर गोरखपुर बना के और हमको एक ऐसा उदाहरण पेश करना है जिसमें कि गोरखपुर की छवि जो इतना बड़ा दाग लग गया है इनके प्लेट को सुधरे। डॉक्टर साहब, धर्मेंद्र जी, डॉक्टर साहब, सांसद जी करीब आइए, सांसद जी नहीं आ रहा है। जय योगी आदित्यनाथ जी का जो विकास का कार्य है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की योजना है, जो उनके सरकार की उपलब्धियां हैं, जो नीतियां हैं, 10.5 महीने में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर को जितना बड़ा विकास का उपहार दिया, वही मेरी पूंजी है, वही मेरी ताकत है, उसके बल पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या मुख्य मुद्दे हैं शहर में जिसके लिए आप संघर्ष कर सकते हैं? अधिकांश मुद्दों का तो समाधान पूज्य योगी जी ने करने का प्रयास किया है, आगे जो और विषय आएंगे वो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके समक्ष ले जाऊंगा। इस शहर का, इस लोकसभा का, इस जनपद का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए उनके नेतृत्व में मैं काम करूंगा। उन्होंने जो विकास का बागीचा लगाया है उसमें मैं एक माली बनकर के उसे सींचूंगा और एक चौकीदार बनकर के गोरखपुर की जनता की रखवाली करूंगा और जो भी समस्याएं आएंगी योगी जी और मोदी जी तक पहुंचा करके उसका समाधान करूंगा। लाल
सुरेता जी बहुत बहुत मुबारक। अरे तिवारी जी नमस्कार। आप तो हमारे पुराने हैं, तभी तो कह रहे आप लोग एकजुट होके आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए जाइए, आप जाइए। क्या आपका? विजय कुमार राय। कौन सी पार्टी का? कुमार राय। अरे थोड़ा जगैया एडजस्ट किया था गुप्ता, इधर देखिए। वाह, भरे थे पहले। क्या हुआ बेटा भाई? सर मुद्दा हमारा ये है कि आज योगी जी को हम लोगों ने वोट दिया और योगी जी वादा किए थे कि हम मछुआरों को और निषादों को जितने पिछड़ी जातियां हैं उन सबों को आरक्षण देंगे, पढ़ाई लिखाई में सुविधा, नौकरी चाकरी में सुविधा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं आज तक। तो आपके पुत्र भी प्रत्याशी हैं सपा से, तो क्या कहेंगे? जी सर पुत्र हैं लेकिन हम निर्दल पर्चा दाखिल कर रहे हैं। माँ बेटे से क्या हुआ? लड़ाई में माँ बेटा थोड़ी ना देखा जाता है। तो लड़ाई तो है, एक ही घर माँ बेटा नहीं देखा जाता। पार्टी से और आप निर्दल लड़ रहे हैं चुनाव, तो मुद्दे उनके भी अलग होंगे और आपके भी अलग होंगे। उससे इधर आए नहीं, सुनकर समाजवादी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूँ, अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी पार्टी से हमने दाखिल किया है। तो क्या मुख्य मुद्दे होंगे आपके इस चुनाव में? मुख्य मुद्दे तो आप जान ही रहे हैं, यहाँ पर केवल योगी जी और बीजेपी सरकार के रिएक्शन में यहाँ के लोग सरकार बदलना चाहते हैं। तो यहाँ तो विकास के लिए आप देख रहे हैं इंसेफ्लाइटिस, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी हैं, अभी पिछली बार आपने देखा 50 बच्चे मारे गए इंसेफ्लाइटिस वार्ड में मेडिकल कॉलेज की लापरवाही से। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अपना लोकसभा क्षेत्र था, अपना जिला है, उन्होंने मरे हुए बच्चों के परिवार को कुछ नहीं दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद पार्टी कोष से, अपने कोष से उन्होंने सारे मरे हुए बच्चों के परिवार को 2 लाख रुपया देने का काम किया था। तो यहाँ तो सब कुछ स्पष्ट है, 55 लाख समाजवादी पेंशन इस सरकार ने बंद कर दिया। वो 55 लाख पेंशन गाँव के गरीब महिलाओं को जाता था, आज उन लोगों से जाकर के पूछे वो लोग भी साफ दे रही हैं योगी जी को। एक व्यक्ति और प्रत्याशी आपका पार्टी से पर्चा दाखिला किया है, उसके बावजूद आप पर्चा दाखिला किए, तो क्या पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमने समाजवादी पार्टी से दाखिल किया, पार्टी का जो आदेश निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। तो क्या आदेश पहले से कुछ मिला था आपसे, पार्टी हाईकमान से कोई बात हुई थी? लोगों ने भी टिकट मांगा था, उस क्रम में हमने दाखिल कर दिया है। बाकी जो आदेश निर्देश होगा, अभी तो बाकी शेष जो फॉर्मेलिटीज हैं वो बचे हुए हैं, पार्टी के आदेशों का पालन किया जाएगा।
धन्यवाद। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में चुनाव की तैयारियों को बताते हुए कहा कि गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर जोनल तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नामांकन के अंतिम दिन तक कुल 17 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। 21 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 23 फरवरी को नाम वापस लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव की सूचिता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रेक्षक भी आ चुके हैं जो चुनाव प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखे हैं। उन्होंने बताया कि बूथों पर मतदाताओं के सुविधा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव में ड्यूटी करने वाले कार्मिक और मतों का प्रयोग बैलेट पेपर के माध्यम से कर सकेंगे तथा जेल में निरुद्ध व्यक्ति भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के सभी व्यवस्था की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स तथा पुलिस के जवान पर्याप्त संख्या में मौजूद रहेंगे। चुनाव के संबंध में DM और SSP ने बताया। ठीक है, हमारे जनपद गोरखपुर में निर्वाचन प्रक्रिया है। 9 फरवरी को जब इलेक्शन की घोषणा हुई थी हमारे इस संसदीय क्षेत्र में, तब से आरंभ हो गई है। और उसके बाद हम लोग पिछले सप्ताह यानी 13 तारीख को लोग मिले थे और निर्वाचन की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं आरंभ से लेकर और अंत तक उसके बारे में विस्तार पूर्वक हमने आपको बताया था। और इस समय जैसा कि आपको जानकारी है कि 13 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हुए थे और आज नॉमिनेशन दाखिल करने का अंतिम दिवस है और 3 बजे तक ये प्रक्रिया होनी थी और ये प्रक्रिया 3 बजे तक होके समाप्त हो गई है। इसमें हमारे पास 17 कैंडिडेट्स के कुल 24 नॉमिनेशंस आए हैं और इनकी स्क्रूटनी की कार्रवाई यानी समीक्षा जांच की कार्रवाई कल संपन्न होनी है। समीक्षा की कार्रवाई 11 बजे से हम लोग आरंभ कर देंगे और जिस क्रम में हमको नॉमिनेशंस मिले हैं उसी क्रम में एक एक करके नॉमिनेशन पेपर्स की जांच होगी और जब तक जांच की कार्रवाई चलती रहेगी तब तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके बाद विड्रॉल के लिए ऑप्शन रहता है, कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना नॉमिनेशन दिया है वो विड्रॉल कर सकते हैं और विड्रॉल की कार्रवाई कल के बाद परसों भी कर सकते हैं। जो हमारे सामान्य कार्यालय के का समय होता है सुबह 10 से लेकर और 5 बजे तक, उसके बीच में वो अपना विड्रॉल दे सकते हैं। और उसके बाद 23 तारीख को 3 बजे तक उनके लिए समय है, अगर जो भी अपना विड्रॉल देना चाहेंगे विड्रॉल देंगे और 3 बजे के बाद ये समय समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग जो हमारे कैंडिडेट्स बचेंगे उनको हम लोग अलॉटमेंट ऑफ सिंबल करेंगे। ये अलॉटमेंट ऑफ सिंबल की कार्रवाई 23 तारीख को अपराह्न में समाप्त हो जाएगी और इसके साथ ही हमारी प्रक्रिया बैलेट पेपर्स को छापने की शुरू होगी। आप जानते हैं कि ये हमारा चुनाव पूरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के माध्यम से है तो इसके लिए हमारा जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स का जो विवरण होगा वो हम लोग निर्धारित प्रारूप पर हमारे एक राजपत्रित अधिकारी उसको लेकर राजकीय प्रिंटिंग प्रेस में जाएंगे और वो वहीं पर रहकर उसको जब वो छपेगा उसका प्रूफ देखेंगे और उसको त्रुटि रहित पाने पर अप्रूव करेंगे और बैलेट पेपर छपेंगे। और बैलेट पेपर छप के जब हमारे ज़िले में वापस प्राप्त होंगे तो उसके बाद जो हमारी इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इन सभी के ARO's ये अपने अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होंगी उनमें इन जो बैलेट मशीन हमारी होती है उस बैलेट मशीन में उस बैलेट पेपर का सेटिंग करेंगे और
तो ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक पूरी सभी बैलेट मशीन्स की बैलेट पेपर्स के साथ सेटिंग ना हो जाए। 23 तारीख को अलॉटमेंट ऑफ सिंबल के बाद हम लोग एक प्रक्रिया और करेंगे जो हमारा पोस्टल बैलेट पेपर बनना है। तो वो पोस्टल बैलेट पेपर हमारा हम लोग पृथक से छपवाते हैं। पृथक से छपाने की उसकी व्यवस्था है, वो यही स्थानीय प्रिंटिंग प्रेस में छपेगा पूरी सुरक्षा के अंतर्गत। और इन पोस्टल बैलेट्स को उन लोगों को भेजा जाता है, ऐसे वोटर्स को जो उस दिन उस पर्टिकुलर चुनाव में किसी न किसी ड्यूटी में हो चुनाव संबंधित और इस कारण से अपना वोट ना डाल पा रहे हों। इसमें एक पूरा एक ब्रैकेट होता है हमारे सर्विस वोटर्स का। सर्विस वोटर्स वो वोटर हैं जो आर्म फोर्सेस में होते हैं। तो हमारे जनपद में उनकी संख्या 2913 है। इस बार पहली बार भारत निर्वाचन आयोग ने यह व्यवस्था की है कि सर्विस वोटर्स को पोस्टल बैलेट भेजने का पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक होगा। यानी कि हम छपवा के सर्विस वोटर्स को पोस्टल बैलेट डाक के माध्यम से नहीं भेजेंगे, वो हम इलेक्ट्रॉनिकली हमको वहाँ से इलेक्शन कमीशन से पासवर्ड और लॉगिन मिलेगा और उसके चलते हम लोग उसको इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर जनरेट करेंगे और जनरेट करने के बाद उसको इलेक्ट्रॉनिकली ही जो रीजनल ऑफिसर्स होते हैं आर्म फोर्सेस के उनको भेजेंगे और उनके यूनिट ऑफिसर को भेजेंगे। जिस यूनिट में भी वो सर्विस वोटर तैनात होगा उसका पूरा डेटा क्रिएट किया जा चुका है। वहाँ जाने के बाद फिर यूनिट में जाने के बाद जहाँ भी तैनात होगा वो सर्विस वोटर वहाँ पर उसको डाउनलोड किया जाएगा और डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकाला जाएगा। प्रिंटआउट निकालने के बाद वो अपना उसमें वोट अंकित करेगा और अंकित करने के बाद प्रक्रिया के अनुसार उसको लिफाफे में बंद करेगा, लिफाफे को सील करेगा और लौटने की व्यवस्था वो मैनुअल व्यवस्था है। लौटने की व्यवस्था वो बाय पोस्टल डिपार्टमेंट, वो हमारे गोरखपुर के पोस्ट ऑफिस में आएगा और वहाँ से पोस्टल डिपार्टमेंट उसको, अगर वो काउंटिंग से पहले आ जा रहा है, काउंटिंग हमारे यहाँ 14 मार्च की है तो 13 मार्च तक अगर आ जाएगा तो पोस्टल डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर नामित होगा इसके लिए नोडल ऑफिसर। वो प्रतिदिन आकर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ARO's के बक्से बने होंगे, पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, वहाँ जाके वो उनको दे देगा और दे के वो सील पैकेट में डेट वाइज रख लिए जाएंगे और रजिस्टर में एंट्री हो जाएगी कि आज की तारीख में हमको इतना मिले। जो पोस्टल बैलेट्स 14 मार्च को ही आएंगे तो 14 मार्च को हम लोगों की काउंटिंग शुरू होगी सुबह 8 बजे। तो इलेक्शन कमीशन का नियम यह है कि 8 बजे से पहले यदि पोस्टल डिपार्टमेंट की ओर से कोई पोस्टल बैलेट्स उनको देने हैं, रिसीव कराने हैं, तो वो वहीं पर आएंगे जहां पर काउंटिंग का स्थल है। किस टेबल पर, किस काउंटर पर उनको रिसीविंग होगा उनका ये पहले से सूचित होगा पोस्टल डिपार्टमेंट को। पोस्टल डिपार्टमेंट के संबंधित व्यक्ति या अधिकारी को एक पास भी जारी होगा काउंटिंग एरेना का, जिससे वो निर्बाध रूप से वहाँ तक अंदर आ सके और उसको 8 बजे से पहले उनको वहाँ डिलीवर करना है। 8 बजने के बाद कोई भी पोस्टल बैलेट स्वीकार नहीं होगा और गिनती में नहीं आएगा। जो हमारे इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए हमारे कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस विभाग के हैं, चाहे हमारे विभिन्न विभागों के हैं, हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे ऐसे लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट की ड्यूटी में लगे हुए हैं, ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उन सभी को भी यदि वो इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर हैं तो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जिसको EDC कहते हैं उसको देने, उसमें वोट कास्ट करने के लिए उस व्यवस्था के अंतर्गत उनको सुविधा रहेगी और हम हर लेवल पर उनको ट्रेनिंग्स के माध्यम से और जहां पर हमारे ड्राइवर्स और क्लीनर्स कंडक्टर्स जहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से उनको हम लोग EDC उपलब्ध कराएंगे और EDC को जमा कराने के लिए भी हम लोग फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाएंगे। जितने भी हमारे पोलिंग कार्मिक इसमें लग रहे हैं उनको उनकी ड्यूटी स्लिप के साथ ही EDC भी भेजा जा रहा है उसका प्रारूप, जिससे कि वो
जिस समय फर्स्ट ट्रेनिंग में आएंगे 24 से 28 के बीच में यूनिवर्सिटी के दीक्षा भवन में, तो वो उसको भरने की कार्रवाई कर सके। भरने की कार्रवाई के साथ साथ फैसिलिटेशन सेंटर में उसको वो अपना वोट डाल भी सके। ये पूरी व्यवस्था टोटली वीडियोग्राफ्ट होगी। जो कैंडिडेट्स हैं उनको और उनके प्रतिनिधियों को वहाँ पर उपस्थित रहने की अनुमन्यता छूट होगी, और ये पूरी व्यवस्था जो पोस्टल बैलेट की है, ईडीसी की है, ये पूरी पारदर्शिता से, पूरी तरह से नियमों के अंतर्गत ये हम लोग संपन्न कराएंगे। इसके अलावा क्योंकि हमारे ऑब्जर्वर्स, अब एडीएम सर ऑब्जर्वर्स का जनपद में पधार चुके हैं, और हमारे एक ऑब्जर्वर परसों पधारेंगे जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं। जो ऑब्जर्वर हैं उनके मैं एक परिचय भी आपको दे दूं। जो हमारी एक ऑब्जर्वर हैं उनका नाम है डॉक्टर माधवी चावरे। ये महाराष्ट्र से आई हैं और हमारी ऑब्जर्वर हैं। इनके पास 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, 320 कैंपियरगंज, 322 गोरखपुर शहर और 323 गोरखपुर ग्रामीण। एक यहाँ से प्रेस नोट मिल जाएगा जिसमें इनके नंबर्स वगैरह भी होंगे। दूसरे हमारे ऑब्जर्वर, जनरल ऑब्जर्वर हैं डॉक्टर सुबोध कुमार। ये इनके पास 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेंगी, 321 पेपराइच और 324 सहजनवा। तीसरे जो हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं ये श्री आकाश देवगन हैं। ये एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं यानी व्यय प्रेक्षक हैं, और ये 22 तारीख को जनपद में आएंगे। एक चौथे हमारे ऑब्जर्वर हैं श्री अन्नीगिरी मंजुनाथ, ये पुलिस ऑब्जर्वर हैं और ये भी जनपद में आ चुके हैं। ये सब सारे के सारे ऑब्जर्वर्स, इनका जो अवस्थान की जगह है वो सर्किट हाउस गोरखपुर है, ये वहीं पर ठहरेंगे, वहीं पर ठहरे हुए हैं। और इनके मोबाइल नंबर्स वो आपको नोट कराए जाएंगे, और स्थानीय जो हमारा प्रिंट मीडिया है उसके माध्यम से भी हम अनुरोध करेंगे कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स उनको जानकारी रहे इनके बारे में। कोई दूरभाष पर कोई संवाद करना है तो उससे कर लें, मिलकर अपनी कोई बात कहनी है तो मिलकर बात कर लें। तो इसको आप लोग प्रमुख अपने माध्यम से इसको प्रचारित करने का आप लोग क्रिया कार्रवाई करेंगे, ये मेरा आपसे अनुरोध है। इसके साथ जो हमारे पोलिंग पर्सनल हैं उनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम, क्योंकि ये एक बहुत ही व्यापक एक प्रक्रिया होती है, वो 24 तारीख को शुरू होगा और 24 से 28 तक चलेगा, और इसके बाद एक राउंड और चलेगा। तो इसमें हम लोगों की जैसे 2 ग्रुप्स की अभी ट्रेनिंग हो चुकी है। जैसे आज हमने माइक्रो ऑब्जर्वर्स की एक पूरी प्रक्रियाओं के ओरिएंटेशन के लिए बुलाया था, तो वो ट्रेनिंग उनकी आज हो गई है, और जो अगली ट्रेनिंग होगी वो उनके ऑब्जर्वर्स द्वारा उनको कराई जाएगी। और जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनकी भी आज हम लोग 2 मीटिंग्स पहले कर चुके हैं, उनका इस क्षेत्र का भ्रमण भी करा चुके हैं, और उनकी आज एक मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। अभी 4 बजे से उसका टाइम है, वो शुरू हो गई है, आपकी पीसी के बाद हम लोग करेंगे। तो एक ट्रेनिंग उनकी वहाँ पर हो रही है। इसके अलावा जो हम लोगों की क्षेत्र में जो हमारे पोलिंग सेंटर्स और पोलिंग बूथ्स हैं, तो उनकी वल्नरेबिलिटी मैपिंग की हम लोगों ने प्रारंभिक एक्सरसाइज कर ली है, और जो बूथ्स की क्रिटिकलिटी है, तो क्रिटिकल बूथ्स हैं, उसकी भी प्रारंभिक एक्सरसाइज कर ली है। जो बूथों की संवेदनशीलता है उसके विषय में भी हम लोगों ने प्रारंभिक एक्सरसाइज कर ली है, और इन 2-3 दिवसों में इनकी संख्या को हम लोग अंतिम रूप दे देंगे। अभी आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक एक्सरसाइज में हमारी 5 एसीज में 29 वनरेबल प्लेसेस स्पॉट्स चिन्हित हुए हैं, और हमारे 90 बूथ्स अभी क्रिटिकल चिन्हित हुए हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज अभी ऑनगोइंग है, ये संख्या आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा 9 तारीख के बाद से, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो उस पर व्यापक कार्रवाई चल रही है पूरे जिले में,
और इसमें जो अभी तक पब्लिक प्रॉपर्टी पर 7734 यानी 7734 मामलों में कार्रवाई हुई है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में 3566 मामलों में कार्रवाई हो चुकी है, और जो हमारी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट एजेंसीज और हमारी लोकल बॉडीज़ की एजेंसीज उनके द्वारा जितना भी पोलिंग जितना भी निर्वाचन का प्रचार का मटेरियल किसी प्रकार का था उसको हम लोगों ने हटवा दिया है और ये ऑनगोइंग एक एक्सरसाइज है। इस बीच क्योंकि हम लोगों ने पहले भी आपसे कहा था आपके माध्यम से बताया था और हमारे थाना प्रभारी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं निरंतर, हमारे यहाँ जो असलाहों के लाइसेंस हैं केवल ऐसे लाइसेंसियों को छोड़कर जो किन्हीं विशिष्ट कारणों से निर्वाचन की अवधि में अपना लाइसेंस अपने पास रखना चाहते हैं उसके अलावा संबंधित थाना प्रभारी की अपनी एप्लीकेशन उनको देनी है और थाना प्रभारी उस पर एक उसका आकलन करके उनकी स्थिति का और फिर वो रिपोर्ट देंगे और जिला स्तर पर जो जिलाधिकारी और SSP की स्क्रीनिंग कमेटी है वो उसमें निर्णय लेगी और जिन लाइसेंसेस को एग्जेम्प्ट करना है उनको एग्जेम्प्ट करेगी। अभी तक पुलिस ने 2400 लाइसेंसी हथियारों को जमा कराया है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई अभी हमारी प्रिवेंटिव सेक्शंस में चल रही है जिसमें 5805 लोगों को अभी तक 116 के अंतर्गत कार्रवाई का नोटिस दे दिया गया है और जिसमें से 438 लोग 116(3) के अंतर्गत धारा के अंतर्गत बाउंड भी किए जा चुके हैं। इसी प्रकार से अवैध शराब के विरोध में भी उसके नियंत्रण के लिए एक अभियान चल रहा है और जो हमारा आबकारी विभाग है उसने कंट्री लिकर और फॉरेन लिकर और बियर इसके ऊपर मैसिव कार्रवाई की है और जो कार्रवाई उनकी कंट्री लिकर के बारे में है वो 59,119 लीटर की है जो उन्होंने कार्रवाई की है। इसके अलावा फॉरेन लिकर की उनकी 73,361 की है और बियर की उनकी 1,48,641 की है। ये कार्रवाई भी निरंतर चलेगी। आप लोगों से जो पिछली जो PC हुई थी उसके बाद हम लोगों ने जो हमारे जो बॉर्डर से लगे हुए हमारे जनपद हैं इन जनपदों के SSPs और DMs के साथ एक मीटिंग हम लोगों ने यहाँ गोरखपुर में की थी जिसमें सभी ऑफिसर सम्मिलित हुए और उन सभी को यहाँ की इलेक्शन प्रक्रियाओं की जो स्टेजेस हैं क्या क्या व्यवस्थाएँ क्या क्या कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में उनको विस्तारपूर्वक बताया गया और उनसे ये सहयोग इन बिंदुओं में मांगा गया क्योंकि हमारे यहाँ 11 मार्च को पोल होने वाला है तो 11 मार्च को हम लोग बॉर्डर सील करेंगे और उससे पहले क्योंकि हमारे यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और आसपास के जनपदों में लागू नहीं है क्योंकि ये उपनिर्वाचन है तो उनको हमने बताया है कि इस तरह से हमारे फलाने फलाने जगह पर हमारे नाके बैरियर्स लगे हुए हैं, हमारे जो बॉर्डर के थाने हैं वो फलाने फलाने हैं और हमारे यहाँ क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तो यहाँ पर 50,000 से ऊपर की कैश धनराशि को ले जाना सुझाव ये दिया गया है कि ना ले जाएं और ले जाते हैं तो उसका पूरा प्रामाणिक अभिलेख उनके पास होने चाहिए ये प्रूफ करने के लिए कि वो धनराशि कहाँ से आई और क्यों आई है कहाँ जा रही है। इसके अलावा क्योंकि बहुत सघन चेकिंग चल रही है जिसमें हम लोग कोई भी अवांछित चीज़ जैसे मादक पदार्थ उनका ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स में ना होने पाए, किसी प्रकार के असलाहों का कोई ट्रांसपोर्टेशन वैध या अवैध असलाह उनका ना होने पाए और किसी प्रकार की कोई ऐसी चुनाव सामग्री जो संज्ञानित नहीं है जिला इलेक्शन मशीनरी को उसका ट्रांसपोर्टेशन भी ना हो, ये इस बारे में उनसे एक विस्तृत बैठक हुई है और सभी जिलों के अधिकारियों ने पूरे सहयोग के लिए आश्वस्त किया है और उनके हमने कुछ डिटेल्स भी भेजे हैं और इसके लिए हम लोग निरंतर जो विशेष रूप से जो हमारे बॉर्डर के थाने हैं वो उन जिलों के बॉर्डर के थानों के साथ पूरा समन्वय रखेंगे, अपनी मीटिंग भी करेंगे और कर भी ली है कई लोगों ने और ये व्यवस्था हम रखेंगे कि हमारे जनपद में जो चुनाव है 11 मार्च को और उससे पहले जो हमारे यहाँ पर ये चुनाव की अवधि चल रही है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू रहने की उसमें हमारे जनपद में ऐसी अव्यवस्थाएँ कोई ना होने पाए जिससे चुनाव की शुचिता प्रभावित होती हो, तो ये व्यवस्थाएँ सब की गई हैं और निरंतर
हम लोग जो पोलिंग सेंटर्स और पोलिंग स्टेशन हमारे बने हैं वो हमारी सारी मशीनरी उनका मौके पे जाकर उनका निरीक्षण कर रही है, उनकी जांच कर रही है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से AMF होता है, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, उसके कई पैरामीटर्स होते हैं। वहाँ पर वोटर्स के लिए शौचालय, उनके लिए पीने का पानी, उनके लिए जो हमारे स्पेशली डिसेबल्ड वोटर्स हैं उनके लिए रैंप्स, शेड की व्यवस्था, उस पोलिंग सेंटर में चार दीवारी और उसका गेट है कि नहीं है, ये व्यवस्थाएं। कोई दिव्यांग वहाँ पर पहुँचे तो उनके लिए अगर उनको आवश्यकता हो तो किसी व्हीलचेयर की, जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है जिनको PWD कहते हैं, तो अगर ऐसी डिसेबिलिटी के वोटर्स हैं तो उनके लिए व्यवस्था, ये सब बातें हैं। बिजली की व्यवस्था, तो ये इसमें निरंतर कार्रवाई चल रही है पिछले लगभग 10 दिनों से। और इसमें कुछ अभी हमारे सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी बिजली विभाग की ओर से स्कूल्स हैं प्राइमरी, जहाँ पर बिजली की आपूर्ति नहीं है, वो कार्रवाई हम सारी की सारी 100% 28 फरवरी तक पूरा कर लेंगे। कुछ हमारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, तो वो भी कार्रवाई हम लोग करा लेंगे। और शौचालय की इक्का दुक्का जगह बात थी वहाँ कर लेंगे। तो हमारा जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो उसमें लगे हुए हैं, जो हमारे ऐसे PWD वोटर्स जिनको कहते हैं, जिनको लोकोमोटर चलने फिरने में दिक्कत है, तो हमारे 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये 6205 का इनका की इनकी संख्या है। तो हम ऐसी व्यवस्था यहाँ बना रहे हैं कि हमने बूथ वाइज PWD वोटर्स कितने हैं इसका पूरा एक डिटेल बना लिया है, और उसमें हम लोग व्हील चेयर्स की व्यवस्था रखेंगे जिससे कोई भी ऐसा वोटर आए तो बिना किसी असुविधा के, और व्हील चेयर पोलिंग बूथ के अंदर तक भी जाएगी। मान लीजिए वो वोटर कोई ट्राइसिकल में आया है अगर, तो वो ट्राइसिकल अपनी परिसर में खड़ी कर देगा अपने बूथ के सामने, और वहाँ से उसको व्हील चेयर मिल जाएगी और वो व्हील चेयर से वो अंदर तक जाएगा। ये व्यवस्था हमने की है। हमारे पास सरकारी तौर पर करीब 250 व्हील चेयर्स अवेलेबल हैं, और हम लोग और व्यवस्था भी कर रहे हैं कुछ NGOs के माध्यम से, कुछ हमारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ व्हील चेयर्स हैं, तो वो उसकी पूरी इन्वेंट्री हम बना रहे हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पूरा बूथ वाइज आने वाले समय में करके पूरा उसका प्रोग्राम बना देंगे। जो हमारा कम्युनिकेशन प्लान बनता है जिसमें गाँव के व्यक्तियों से लेकर और सभी के नंबर्स, पुलिस ऑफिसर्स, मैजिस्ट्रेट्स, वो सभी नंबर्स होते हैं, वो कम्युनिकेशन प्लान हमारा तैयार हो गया है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान बनता है वो भी हमने ससमय तैयार कर लिया है, और कल हम लोगों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कल यानी 19 तारीख को, और उसमें क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 ही जगह चुनाव है तो इलाहाबाद और गोरखपुर की वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें मल्टीपल बिंदुओं पर कार्रवाई के बारे में समीक्षा हुई, और अभी तक की जो कार्रवाइयाँ हैं वो इलेक्शन कमीशन द्वारा समुचित पाई गई है। और हम लोग जो हमारा समयबद्ध कार्यक्रम है, डिफरेंट इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ का पूरा कैलेंडर उसका बना हुआ है, चेकलिस्ट बनी हुई है, उसके हिसाब से हम लोग निरंतर उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। ये निर्वाचन का एक नियम है कि जिस भी क्षेत्र में इलेक्शन होता है तो वहाँ का कोई इलेक्टर, चाहे वो स्थानीय जेल में हो और चाहे वो किसी बाहर की जेल में निरुद्ध हो, तो उसका इलेक्शन की घोषणा के साथ ही सूचना संबंधित जिलों को जाती है, और यदि वहाँ से कोई सूचना प्राप्त होती है कि यहाँ पर गोरखपुर 64 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का फलाना वोटर हमारे हैं, वो बताता है कि मैं वोटर हूँ और यहाँ निरुद्ध हूँ, तो उसको उसका वोट बाई वे ऑफ पोस्टल बैलेट डालने की व्यवस्था की जाती है, वो व्यवस्था हम लोगों ने कर ली। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हमारा प्लान बन चुका है, हमने कमीशन को ब्रीफ भी किया है, और तकरीबन 6000 से अधिक हमारे पुलिसकर्मी जो हैं इसमें लगे रहेंगे। PSE और CPMF कंपनियों के अलग उनकी 57 कंपनियां हमने यहाँ पे मांग की है, और हमारा प्रयास है कि जितने ग्रामीण बूथ हों और जितने संवेदनशील बूथ हों उन पे 100% CPMF कवर हो, और अगर जहाँ पर हम कवर नहीं कर पाते हैं वहाँ पे नॉन पुलिस फोर्स मेजर्स जो है हम वो लेंगे, और इस तरह से हम पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखते हुए और कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखते हुए फ्री और फेयर इलेक्शन भयमुक्त वातावरण में करवाएंगे। गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के तहत मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के उपेंद्र दत्त शुक्ल ने अपने समर्थकों के साथ पर्चा दाखिला किया।
नामांकन से पूर्व पार्टी द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन गोरखपुर क्लब में किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक फतेह बहादुर सिंह, विधायक महेंद्रपाल सिंह, विधायक संत प्रसाद, विधायक शीतल पांडे, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों ने लोकसभा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल के संघर्षों के बारे में बताते हुए उन्हें बहुमत से जीत दिलाने की बात कही। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारियों और प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल को माल्यार्पण कर उनकी जीत की हुंकार भी भरी गई। युवाओं के धड़कन रहे हमारे बीच में आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, महानगर के मंत्री आदरणीय प्रेमनाथ शुक्ला जी, डॉक्टर अनिल सोनकर जी, जितेंद्र अग्रवाल जी, जी शैलेश गुप्ता जी है, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे मंच के सबके वरिष्ठ साथी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे आदरणीय उपेंद्र शुक्ल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सूर्यप्रताप शाही जी, जयप्रकाश निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह जी, सांसद शरद त्रिपाठी जी, हमारे विधायक साथी भाई राधा मोहन दास अग्रवाल जी, भाई महेंद्र पाल सिंह जी, भाई विपिन सिंह जी, आदरणीय शीतल पांडे जी, ज्ञानेन्द्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, देवेंद्र प्रताप अमित सिंह साहब, भाई कामेश्वर सिंह जी, संत प्रसाद जी माननीय विधायक, भाई धर्मेंद्र सिंह जी, भाई अनूप गुप्ता जी, छोटे भाई विमलेश पासवान जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मित्रों, हम सत्ता में हैं ये बात किसी से छिपी नहीं, और सत्ता में रह करके झुक करके अगर हम कार्य करें तो शायद हमको सफलता ज्यादा मिल सके। हम ये मान के कब तक ही न चले कि चुनाव एक चुनौती है, इस पर कोई भी लापरवाही किसी किस्म की मांग नहीं होती मित्रों, और इस चुनाव को चुनौती मानकर अगर हम लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता है उस बूथ लेवल के कार्यकर्ता के सम्मान को रखाने का काम, उस बूथ लेवल के कार्यकर्ता को जगाने का काम, और हमारा वोट बूथ तक कैसे पहुंचे इसकी व्यवस्था भी करने का काम हमारे सभी पदाधिकारी कराते हैं। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी अगर 3 लाख से जीते थे तो उपेंद्र शुक्ल जी भी 3.5 लाख से कम होते न जीते, ये तैयारी होनी चाहिए, इससे कम से न जीते, और ये मेहनत कार्यकर्ताओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारा बूथ संगठित है, हमारे कार्यकर्ता संगठित है, लेकिन हमको लगना पड़ेगा सभी लोगों, आज जितने ये साथी आए हैं सब सुपर पार्टी के शुभचिंतक हैं, लेकिन ये प्रतिज्ञा करके जब जाएंगे हम अपना बूथ जिता करके भेजेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी भी अपना पूरा समय, पूरा टाइम, उनकी निगाहें हम सबके ऊपर है, और वो समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा हम सबको। हम आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए पुनः उपेंद्र शुक्ल जी को बधाई देता हूँ कि गोरखपुर संसदीय क्षेत्र पूरे प्रदेश ही नहीं देश में एक सम्मानित पद है, और आज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे। हम चाहेंगे कि उपेंद्र शुक्ल जी गोरखपुर के गौरव को बढ़ाने का काम करें, सर निश्चित रूप से सफलता हमारे आगे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिए गए निर्णय के कारण पूरा भारतीय जनता पार्टी भी पूरा प्रसन्न है, सब जगह उल्लास है, उन्माद है, उत्साह है,
इकट्ठा वातावरण का सृजन हुआ है। जिस वातावरण को जगाने के लिए, सृजित करने के लिए थोड़ा कभी परिश्रम करना पड़ता था, उस सृजन को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो योग्य निर्णय लिया है श्री उपेंद्र दत्त शुक्ल जी के रूप में, अपने आप एक अच्छा वातावरण पूरे क्षेत्र में बना हुआ। मित्रों, लोकतंत्र का युद्ध है। इसी युद्ध में पहले विराट व्यक्तित्व का सहारा रहता था, सहयोग रहता था, सहारा और सहयोग तो रहेगा ही, लेकिन प्रत्याशी के रूप में एक महान व्यक्तित्व हमारे बीच में नहीं। गोरखपुर उपचुनाव के नामांकन के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। 1989 से लगातार ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही है। पूज्य बड़े महाराज जी और उनके बाद पूज्य योगी आदित्यनाथ जी लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने इस सीट को खाली किया है और ये सीट उनके खाली करने की वजह से, मुख्यमंत्री होने की वजह से खाली हुई है और इसलिए इसकी भरपाई हम सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल से कराना है, कमल के फूल से कराना है और रिकॉर्ड मतों से कराना है। मैं कल गौतम बुद्ध नगर में था जब मुझे जानकारी मिली कि आदरणीय उपेंद्र शुक्ला को टिकट मिल गया और मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, मुझे लगा कि एक जुझारू संघर्षशील कर्मठ जमीनी कार्यकर्ता जिसने अनेक आंदोलन में लाठियां खाई हैं और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहने के बावजूद भी जिला अध्यक्ष के रूप में रहते हुए चुनौतियों के साथ कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष करते रहे और सैकड़ों लाठियां पड़ने के बाद भी जिस आदमी ने हार नहीं भरी, उस कार्यकर्ता को जब टिकट मिला है तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का हृदय गदगद है। हम प्रसन्नता के भीतर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सूर्यताप का ही नहीं, गोरखपुर क्षेत्र का एक एक कार्यकर्ता जो उपेंद्र शुक्ला को जानता है, इस चयन से भारतीय जनता पार्टी को इन नेताओं को आभार प्रकट करता है और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता है कि आपने जमीनी कार्यकर्ता को प्रतिनिधित्व दे करके और एक ऐसी परिस्थितियां पैदा की है कि चुनाव को तो कार्यकर्ता स्वयं खड़ा होकर के लड़ेगा और लड़ करके निश्चित रूप से निकाल मतों से कमल का फूल खिलाएगा। भाइयों के घर में निशुल्क बिजली के रोशनी यदि आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। उत्तर प्रदेश के किसानों का छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक साल के भीतर किया है और इसलिए कार्यकर्ता भाइयों, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये चुनाव उपेंद्र शुक्ला का नहीं है, ये चुनाव आपका है, ये आपके मान और सम्मान का चुनाव है। हर कार्यकर्ता की अस्मत इसके साथ लगी हुई है। हमारे नेता भी कहते हैं कि आप बार बार कहते हैं कि कार्यकर्ता कार्यकर्ता कार्यकर्ता, तो की बार हम कार्यकर्ता को देते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि कार्यकर्ता और जनता हाथों हाथ इस उपेंद्र शुक्ला को उठाएगी और हर गांव से कमल ही कमल खिलेगा। ये अनुरोध और प्रार्थना करते हुए आपसे मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनाव थोड़े समय का है, हम सभी मिल करके अपने अपने यहाँ से लग जाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय शाही जी, आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी और हमारे आज के कार्यक्रम में नामांकन के लिए प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ला को बड़ी के उनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी हिंदू आवाहनी हिंदू आवाहनी माइक्रो ऑब्जर्वरों की एक बैठक एवं प्रशिक्षण का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में किया गया। प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए एडीएम भू राजस्व बलराम सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रशिक्षण में आए ऑब्जर्वरों को प्रशिक्षित करते हुए आगामी लोकसभा उपचुनाव की शुचिता को बरकरार रखने के लिए तकनीकी जानकारियां दी। इस मौके पर सीडीओ अनु सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मतदाता
निर्वाचन नामावली जो है उसकी चिन्हित प्रति की बात, चिन्हित प्रति का मतलब क्या है? चिन्हित प्रति का मतलब ये हर पोलिंग बूथ को निर्वाचन अधिकारी को 1+3 एक धन की मतलब एक चिन्हित प्रति रहती है मतदाता सूची की और एक तीन अंक चिन्हित प्रतियां नहीं रहती। चिन्हित प्रति का मतलब यह है कि जहां पे एडिशन डिडिशन होगा वहां पर एआरओ दस्तखत करता है, मोहर करता है, जिस मतदाता सूची के जिस बटन में एआरओ सहायक निर्वाचन चलता है वैश्विक अधिकारी के हस्ताक्षर हो कटिंग पर और वहां पर वो जो है चिन्हांकित प्रति कही जाती है और प्रथम मतदान अधिकारी उसी चिन्हांकित प्रति के आधार पर मतदान कराएगा। इसे रामायण गीता है उसी के आधार पर पड़ेगा, किसी के पास किसी के मतदाता सूची में किसी का नाम हो या न हो मानी जाएगी चिन्हांकित प्रति, राइट। अब आगे चले चिन्हित प्रति में एक ही और किया जाएगा कि जैसे आप माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में तैनात हैं तो आप अपना वो कहां डालेंगे, उसके लिए आपको ड्यूटी स्लिप निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र वो जारी किया जाएगा, आपका जो दूसरा ड्यूटी पत्र जाएगा उसके साथ प्रारूप 12A दिया जाएगा, प्रारूप 12A भर करके एक अपना जो मतदाता पहचान पत्र है और जो नियुक्ति पत्र आपको दिया गया है उसकी फोटो कॉपी संलग्न करके पूरा भर करके यहाँ पर लेकर के आएंगे, हर विधानसभा के ग्यारह सभा उपस्थित रहेंगे, आपको निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसे लेकर के आप उसी पोलिंग बूथ में जहाँ पर आपकी तैनाती की गई है वहीं पे आप वोट दे सकते हैं और ऐसा हर हमारा जो निर्वाचन मतदान अधिकारी है वो भी इस चीज को करेगा कि उसके पास भी वो प्रमाण पत्र होगा जिसके आधार पर वो वही वोट डाल देगा और जितने भी ऐसे केसेस हैं उसी मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के अंक में मान लिया कि कुल 840 वोटर उसमें रजिस्टर्ड हैं तो 843, 843, 844 ये जो है उसके जो कर्तव्य प्रमाण पत्र दिया गया है उसके आधार पर वोट डाला है उसका विवरण उसने निर्वाचन अधिकारी दर्ज करेंगे और साथ ही साथ जो चिन्हित प्रति है उसमें ASP और जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनका भी विवरण दर्ज करेगा। जैसे कोई तुम्हारी विधवा है 21 साल की उम्र में यहाँ पर होगा जिस गांव की है वहां पर उनका वोटर आई कार्ड बना हुआ है, विवाह हो गया दूसरे जगह चले गए उसी में जिस विधानसभा से विधानसभा या इस भाग संख्या से उस भाग संख्या में चले गए या डुप्लीकेट यानी उनका उसी मतदाता सूची में दो लाखों का नाम फिल हो गया है, ठीक है। अलग से भी उसकी सूची दी जाएगी इससे आपका कोई बहुत मतलब नहीं है, मतलब यह है कि जो आपके कहने का मतलब है जो चिन्हित प्रति है उस चिन्हित प्रति में वो सारी चीजें दर्ज करती है, अतिरिक्त प्रतियां जो है मतदाता सूची की उससे फिल होगी है वो जहां भी कटा कटा है वहां पे जो निर्वाचन निश्चित अधिकारी है उसके पर हस्ताक्षर के साथ मुहर भी लगी जाती है चिन्हित प्रति। एक बार आप लोगों ने एसडी के बारे में पूछा तो महिला जो है वहां रहते नहीं है उनको तो भी चिन्हांकन करते हैं कि जिसका घर है जमीन है सब कुछ है लेकिन वो मजबूर रहते हैं कभी कोई आते हैं। दूसरा है जिसका कोई लिंकेज नहीं है, पहला तो जैसे उसका कोई ना कोई है उसका फादर है मदर है या दादा दादी है कोई ना कोई रह रहा है घर में। दूसरे ऐसे हैं जिसका कोई फैमिली लिंकेज नहीं है उस एरिया में वो कभी कभार आते हैं तो ये एब्सेंटी वोटर है, ये जाते नहीं होते हैं हर बूथ में कहीं बीस 25 नगरी क्षेत्रों में नहीं आएंगे गोरखपुर नगर क्षेत्र में नहीं आएंगे यहाँ पर ज्यादा आपको मिलेंगे जिसमें काफी कुछ किराएदार आते हैं जो मकान बोलने चले जाते हैं तो ऐसे वोटरों को भी चिन्हांकित किया गया है क्योंकि इनका मतदाता सूची से नाम काटने के लिए प्रक्रिया है जिसका कोई आरंभ साथ नहीं देगा
और देता है उसको 7 दिन कामयाब करने के बाद उसको हटाने का प्रावधान है। तो इस वजह से ऐसे होटल की भी विद्यमान है, इस मतदाता सूची में रखता है। दूसरा है आपके जो है सिटेट होटल, जो सब कुछ छोड़ कर के वहां से जा चुका है, वो खास करके अपने नगरीय क्षेत्रों में मिलेंगे। तो बूथों में जो सूची जाएगी उस सिटेट में तो कोई नहीं आता है, होते हैं जो छोड़ के जा चुके रहते हैं। जो आप सेफ्टी वाली जो दो कैटेगरी है, विथ फैमिली लिंकेज एक विदाउट फैमिली लिंकेज, इसमें का जो एम्प्लॉई रखता है वो लोग आकर वोट देते हैं, और जो ऑब्जर्वर होते हैं उनको भी हम उनकी सूची अलग करते हैं, और उनकी भी जो है प्राथमिकता ये रहती है कि बूथों के ज्यादा जो है ESP के नाम का उल्लेख है, संख्या जिसमें ज्यादा है, उन्हीं बूथों को भी भ्रमण करने के लिए प्राथमिकता देते हैं। तो यदि आपका जो मतदान स्थल में यदि सभी में नहीं रहता है, यदि आपके मतदान स्थल में इस टाइप का कोई सूची है यदि विद्यमानता है, तो उसमें जो थोड़ा वाच करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे वो आएगा उसको मताधिकार के प्रयोग से वंचित होने से नहीं रोक सकते हैं। मताधिकार तो करेगा, एक मतदाता सूची में उसका नाम है तो वो केवल अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कराएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार उड़न दस्ता टीम का गठन किया जा चुका है। यह जानकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभुनाथ ने दी। उन्होंने बताया कि उड़न दस्ता टीम गठन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सहजनवा विधानसभा में तैनात उप प्रभारियों वनाधिकारियों MK शुक्ल के स्थान पर क्षेत्रीय वनाधिकारी VP गुप्ता और गोरखपुर ग्रामीण में तैनात अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के अवर अभियंता संदीप कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर जिला पंचायत कर निरीक्षक अपर मुख्य अधिकारी राजीव कुमार शुक्ला की तैनाती तत्काल प्रभाव से की गई है। उन्होंने कहा कि तैनात अधिकारी अपने साथ लगे पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों तथा संबद्ध वीडियोग्राफर से समन्वय स्थापित करके कार्य करते हुए उसे सुनिश्चित करें। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 4 छात्रों द्वारा सोमवार को बिना एंट्री कराए लाइब्रेरी में प्रवेश करने पर विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर गोपाल प्रसाद द्वारा किए गए कार्रवाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। चीफ प्रॉक्टर के कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को विश्वविद्यालय के लगभग 100 से ज़्यादा छात्रों ने सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराया। छात्रों ने विश्वविद्यालय के हॉस्टल से जुलूस निकाला। जल्द से जल्द ये जुलूस विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचा, जहां छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर की निलंबन की मांग को लेकर कुलसचिव शत्रुघ्न वैश्य का घेराव किया। इस दौरान छात्रों ने अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजियां भी की। घेराव के दौरान छात्रों ने घटना का पूरा विवरण कुलसचिव के समक्ष रखा और चीफ प्रॉक्टर के तत्काल निलंबन की मांग भी की। छात्रों को संबोधित करते हुए कुलसचिव शत्रुघ्न वैश्य ने छात्रों से कहा कि निलंबन करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मामला कुलपति तक पहुंचाया गया है। इसके निर्णय के बाद बुधवार को कार्रवाई पर चर्चा होगी। कुलसचिव के इस आश्वासन के बाद छात्रों ने आंदोलन समाप्त किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता राजीव यादव ने कहा कि चीफ प्रॉक्टर ने 4 छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो क्षम्य नहीं है। वहीं चीफ प्रॉक्टर ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी की अपनी अलग मर्यादा है ये कहा। सोमवार को 4 छात्र बिना एंट्री दर्ज कराए लाइब्रेरी में प्रवेश कर वहां के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे थे, जिन्हें हल्की पनिशमेंट देकर छोड़ दिया गया था। छात्रों का आरोप निराधार है। वहीं गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुलसचिव शत्रुघ्न वैश्य ने कहा कि कुलपति से इस मामले को अवगत करा दिया गया है। बुधवार को छात्रों चीफ प्रॉक्टरों और कुलपति की बैठक होगी, जिसके बाद आगामी निर्णय लिया जाएगा। स्थिति ये बना है,
स्थिति ये है सर, उनकी तरफ नहीं उठाती हुए आपकी बात हम लोग बच्चों को बहला फुसला जैसे भी लेके आए हैं, सब टंकी पे करके हम चेक वो कह रहे हैं भाग जाओ वरना तू सभी के ऊपर मुकदमा करवा के अभी भेजवा दूंगा। हम लोग को ढल पा रहे कि तुरंत सर जो मामला वो हैंडल कर सके थे, कैंट इंस्पेक्टर साहब को फोन किए, वहां से दो गाड़ी आए और पूरी पुलिस प्रशासन हम लोग को दे दी, मात्र 8-10 लोग हैं, उतने लोगों को घेर लिए। वो तो कैंट इंस्पेक्टर साहब समझाया कि चलो जो फोटो प्राप्त हम लोग पढ़ने ही ना यूनिवर्सिटी में ना फिर हो जाएगा मतलब और ये बताइए कान पकड़वाना कहां का नहीं है सर, बार बार एक कान पकड़वाना और वो भी ये बताइए अपराधी बिना आईडी कार्ड के अंदर नहीं घुस सकते, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है क्लास सुन लीजिए सर, ये 9:50 से क्लास चलती है पॉलिटिकल का, उसके बाद इंग्लिश में जाना पानी समस्या को देखते हमने अलग अलग बोरिंग करवाई कि आपकी पानी समस्या साल हो, क्योंकि दो तीन बार हमने सोचा कि कई बार तो मैंने प्लान किया हर हॉस्टल में बोरिंग का काम, या हमने नगर निगम को भी लिखा कि आपका अलग से कनेक्शन करें, मतलब हम यही लगे कि आपको सुविधाएं मिले, कुछ ऐसी चीजें हो जाती कभी कभी जो हमारे संज्ञान में भी नहीं आती आप लोगों के माध्यम से आती, और अगर इन बच्चों को कुछ हुआ है भाई तो हम विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से क्षमा चाहते हैं, हमारी कोई ऐसी व्यक्तिगत मंशा नहीं। बात सुन लीजिए, देखिए दूसरी बात है कि प्राक्तन को हटाना या रखना ये मेरे पावर में नहीं है, आप जानते हैं मेरी जितनी पावर्स होगी मैं उसका इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन आपका जो भी प्राक्तन को रखना है हटाना है वो आपकी बात हम डी सी सर को पहुंचा सकते हैं, हम एक माध्यम है, ये आप जानते होंगे रजिस्ट्रार का कितना रोल है, आपकी अपनी डी सी साहब आज नहीं है संभवतः कर रहे हैं इस चीज को सर, तो एक हफ्ते से नहीं है, 5 दिन ऐसा नहीं है भी हमारे हम सब ऐसा नहीं, हमसे जितने लोगों से आज तक मुलाकात हुई होगी ऐसा नहीं, मैं अपना ही कोई बात नहीं है, लेकिन जो प्राक्टर को हमने कहा है कि वो हमको सिर्फ आदेश निकालना रहता है किसको नामित किसको उन्होंने बनाया किसको नहीं बनाया, हमारी चीजें ये अधिकार में नहीं है, मैं कर सकता डीसी सर को पावर से किसी को बनाए, हम वो जिसको बना देते हैं हमारे यहाँ से आदेश सिर्फ निकलता है कि इनको बनाया गया है, आपकी बातें हम उसको रख देंगे सर, उसके वही चीजें होते हैं प्रभारी रूप में, अब कल क्योंकि डीसी सर ने मीटिंग रखी है तो इसलिए हमें ये उम्मीद है कि कल डीसी सर रखेंगे, क्योंकि कल उन्होंने मीटिंग से आप लोगों ने कुल सचिव को अभी बातचीत किया, घेराव भी किया, क्या निष्कर्ष निकला वहाँ? निष्कर्ष ये निकला कि छात्र जो थे वो आज हॉस्टल में अपने कमरों में आत्महत्या करने वाले थे, हम लोग को जानकारी मिली तो बड़ी छात्र नेता बड़े भैया अमर पासवान कमलेश यादव जी श्री शंकर गौर जी सभी लोग हम लोग वहाँ पहुँचे, उन छात्रों से उनकी पीड़ा जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि भैया हम लोग इतने जलील हो गए हैं कि विश्वविद्यालय के स्टूडेंट होने के बावजूद भी लाइब्रेरी में जाना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि प्रॉक्टर साहब ने मारा और बंदूक के नोक पर हम लोग को विश्वविद्यालय गेट के पीछे उठक बैठक कराया, तो इसके लिए हम लोग सभी छात्र नेता और सभी छात्र इकट्ठा होकर हम लोग गए और आज कुलपति महोदय थे नहीं, उनके अनुपस्थिति में हम लोगों ने पूरे उनके चैम्बर को कुल सचिव जी का घेराव किया और कुल सचिव जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है और उन्होंने खेद व्यक्त किया कि एक प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस को देंगे कि विश्वविद्यालय इस मामले में शर्मिंदा है और कल 11 बजे बैठक बुलाई गई है जिसमें जितने भी प्रकरण विश्वविद्यालय में जो प्राक्टर साहब के द्वारा हो रहा है उनके खिलाफ होगा, उसमें इन 4 बच्चों को बुलाया गया है और हम लोगों को भी बुलाया गया, हम लोग अपनी बात रखेंगे। कुछ छात्रों का आरोप है सर कि उनके साथ अभद्रता किया गया आपके द्वारा, जिसको लेकर वो कुल सचिव को घेराव भी कर रहे हैं जी, पक्ष में क्या कहना चाहते हैं? कि कोई अभद्रता नहीं की गई है, विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और शिक्षा की सर्वोच्च संस्था है, उसमें जो है लाइब्रेरी भी एक बहुत ही मतलब पवित्र जगह है, पूरी विश्वविद्यालय ही पवित्र है लेकिन जो लाइब्रेरी है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है और उसमें एक व्यवस्था ये बनाई गई है कि जो भी उसमें जाए, ये हर जगह का नियम होता है लाइब्रेरी का जैसा कि आप लोग जानते होंगे, तो इवन प्रोफेसर को भी बिना एंट्री के वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे जो भी वहां जाता है तो अपनी आईडी जो है दे करके वहां जाएगा, वो रजिस्टर वहां रखा है, हमारा सिक्योरिटी गार्ड वहां रहते हैं लोग 10 से 5 तक जो है प्रॉपर, वो लड़के का नाम मोबाइल नंबर और क्लास जो है लिखते हैं और लड़के जाते हैं, और ये 4-5 लोग जो है इनके हाथ में न तो कॉपी था न किताब थी न पेन था,
कुछ नहीं था, ये लोग चार पांच लोग अंदर जो है गए थे और वाचनालय में जैसा कि आप जान रहे हैं बहुत दिनों के बाद ऐसा माहौल बना है कि बच्चे जाके पढ़ लिख रहे हैं, नोट बना रहे हैं, उसमें जाकर के ये लोग उधम मचाए और उसके बाद हमको सूचना मिली और फिर जो है मैं गया तो उसके बाद ये लोग फिर के निकल के भागने लगे। तो हमने कहा भाई सही बताओ आप लोगों ने एंट्री किया है, तीन लोगों ने बोला कि हाँ एंट्री किए है। हम कहा अच्छा ठीक है आप एंट्री दिखा दीजिए रजिस्टर में कहाँ है, फिर मैं ले आया। उसके बाद जो है ये इनके पास आई कार्ड तो था और हमारा तो किसी और कोई पर्पज था नहीं, हमारा तो ये पर्पज है कि भाई बच्चे गए तो सिस्टम के साथ जो है उसमें पढ़े लिखे और बहुत सूचनाएं मिलती हैं जैसे कि अव्यवस्था करते हैं तो बच्चे ही हमको डायरेक्ट फोन करते हैं कि सर जो है ऐसे कुछ लोग उधम मचा रहे हैं। तो मैं जाता हूँ, वही हुआ कल जो है। उसके बाद इन लोगों को ले आकर के जो है हमने कहा कि भाई इनके घर जो है फिर फोन करने का वो प्रयास किया, एक आध दो लोगों के घर बात भी हुई और इनको हमने कहा कि भाई ठीक है आप आपको ठीक है माफ करते हैं। ये लोग फिर वो करने लगे सर माफ कर दीजिए, फिर उनका ठीक है पांच बार आप जो है दंड बैठक करिए और उसके बाद फिर जो है जाइए। इतनी सी बात थी और ये अनुशासन की जगह है और इसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए हमारे पास जिम्मेदारी दी गई है तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि हम किसी स्टूडेंट विशेष को कोई टारगेट करके या इस तरह से हमारा कोई भावना नहीं, मैं तो जानता भी नहीं कि वो कौन थे। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, उनकी आईडी रखा था वो वापस कर दिया। सर वो चार छात्र जो भी हैं तो वो कह रहे हैं कि सार्वजनिक जगह पे हमको उठक बैठक करा गया, उनकी भावनाएं आहत हुई, वो कह रहे हैं कि हम आत्महत्या करने गए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सार्वजनिक जगह पर वो उसका हमारा मतलब ये थोड़े था कि उनको जो है कोई बेइज्जत करना है, वो तो एक आप जानते हैं बच्चों को जो है इस तरह का अगर कोई टीचर कोई प्रोफेसर अगर ऐसा करता है तो कोई किसी दूसरे भावना से थोड़ी करता है, वो तो सुधार के लिए करता है और ये अनुशासन की जिम्मेदारी है मेरे पास। तो क्या मैं सबको जो है वो करता रहूं, क्या सस्पेंड कर दूं, क्या उनके खिलाफ इस तरह का कार्रवाई कर दूं? जो छोटी छोटी उनकी गलती थी उसकी सजा उतनी थी, वो दिया हमने जो है। शिकायत लेके आए थे आपके पास, काफी उग्र भी दिख रहे थे, गुस्से में भी दिख रहे थे, अपनी मांग उन्होंने क्या रखा, क्या आपने उनको आश्वासन दिया? कुछ बच्चे आए हुए थे, उनके साथ कुछ और स्टूडेंट आए हुए थे विश्वविद्यालय के और उनका कल एक जो घटना को लेकर वो थोड़ा आक्रोशित थे। उनका ये कहना था कि कल जो चीफ प्रैक्टर हैं उनके द्वारा जो है बच्चों को खड़ा कराकर और उनसे माफ़ी मंगवाना या कान पकड़ाना ये जो कार्य हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, इस पर भी काफ़ी आक्रोशित थे और इस चीज़ को लेकर वो उन्होंने मांग किया है कि चीफ प्रैक्टर को इस घटनाओं को और अन्य घटनाओं को लेकर उनको हटाया जाए और उनको इस पद से बर्खास्त किया जाए। सर क्या डिसीजन आप लोग द्वारा? विशेष से बात मेरी हुई है क्योंकि वो आज नहीं है और काफ़ी सेशन है संभवता वो, तो उन्होंने कल 11 बजे जो है इस संदर्भ में इस पटर पे उन्होंने एक मीटिंग बुला रखी है और सुनने के उपरांत वो उनके द्वारा जो भी होगा वो निर्णय लिया। मिलते हैं छोटे से अल्प विराम के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्वीप प्रभारी व अपर जिलाधिकारी बलराम सिंह ने बताया है कि गोरखपुर लोकसभा उपनिर्वाचन 2018 के लिए 11 मार्च को मतदान होना संपन्न निश्चित हुआ है।
निर्वाचन में शत प्रतिशत मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय स्टेडियम गोरखपुर में 22 फरवरी को दोपहर 1:30 से उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लूजी के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली व सभा को संबोधित किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सभी राज्य के अनुमोदित प्रधानाचार्य स्व वित्त पोषित महाविद्यालय आईटीआई पॉलिटेक्निक माध्यमिक उच्च प्राथमिक प्राथमिक विद्यालय को पत्र भेजकर 22 फरवरी को क्षेत्रीय स्टेडियम गोरखपुर में छात्र छात्राओं को प्रभारी शिक्षक सहित महाविद्यालय व संस्थान के निर्धारित परिधान में मतदाता जागरूकता से संबंधित अच्छे स्लोगन नारे बैनर पोस्टर सहित सहभागिता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग और श्रद्धा निधि न्यास के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय कला एवं शिल्प विषय पर स्मृति व्याख्यान का आयोजन मंगलवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में ग्वालियर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रमानाथ मिश्र, श्रद्धा निधि न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर दयानाथ त्रिपाठी, सचिव प्रोफेसर महेश्वर मिश्र, उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम प्रसाद मणि त्रिपाठी, इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रजवंत राव, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी सहित कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। व्याख्यानमाला को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने भारतीय कला एवं शिल्प विषय पर अपने अपने विचार रखे। अतिथियों एवं सुधी जनों के औपचारिक स्वागत के लिए मैं प्राचीन इतिहास केंद्र में भोक्ता निर्माता नहीं, यानी इतिहास के पूरे स्रोत पर राजाओं और पुरोहितों का कब्जा था, जो सभ्यता के असली निर्माता शिल्पी कर्मकर किसान वो हाशिए पर है। हमारी भारतीय परंपरा आप परंपरा में आत्मा अभिव्यक्ति नहीं गई, यानी अपना नाम धाम बताने या पद चिन्ह छोड़ने की परंपरा नहीं है। इसके कारण आरंभ में जितनी भारतीय कलाएं हैं मंदिर हैं, विशाल मंदिरों के निर्माता कलाओं के निर्माता अनाम थे। इतनी खूबसूरत मूर्तियों का निर्माण मंदिरों का निर्माण करने वाले लोगों की अस्मिता की पहचान नहीं हो सकती कि वे दमन और नियंत्रण के औजार भी वो शिल्पी बनाते थे। इसके अतिरिक्त भोग और संपन्नता के उपादान सारे उपादान को शिल्पी कलाकार और कारीगर भी उसे बनाते थे। यानी नियंत्रण और दमन के औजार भोग और संपन्नता के उपकरण बनाने वाले शिल्पियों का नाम इतिहास में हाशिए पर। इतना ही नहीं, नित्यम शुद्ध कार वस्त्र यानी शिल्पियों के हाथ नित्य स्वच्छ होते रहते हैं। इस पवित्र विचार प्रणाली इस पवित्र विचार के बावजूद शिल्पियों को वर्ण व्यवस्था की अवधारणा में शूद्र की कोटि में रखा है। मैत्री उपनिषद आपस्तम गौतम धर्म सूत्र में उनके द्वारा दिए गए भोजन को अखाद्य घोषित किया गया और ये भी कहा गया कि वे उनके द्वारा यत्न करने पर भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन मित्रों, इतिहास हमेशा सीधी चाल नहीं चलता। जो केंद्र में है वो परिधि में, और परिधि में जो है वो केंद्र में आते जाते हैं। दूसरी बात ये कि इतिहास तत्काल तो अन्याय कर सकता है,
लेकिन अपने लंबे दौर में इतिहास हमेशा न्याय ही करता है। जो सभ्यताओं के निर्माण में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, दुनिया को खूबसूरत बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, उनके अस्मिता की खोज की, उनके पद चिन्हों की खोज की, और तमाम चिन्ह जो अभिलेखों मूर्ति बनाने और मूर्तियों के अभिलेखों में मूर्ति पर जो अभिलेख मिलते हैं उन पर जो शिल्पियों के चिन्ह मंदिरों पर शिल्पियों के चिन्ह मिलते हैं उन्हें खोज निकाला और अंततः इतिहास में सभ्यता के निर्माताओं को वो प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया। इसलिए उनका कार्य सचमुच बहुत ही स्तुत्य है। पांडुलिपि के संरक्षण को लेकर पांडुलिपि छाया प्रदर्शनी और तत्व बोध व्याख्यान माला का आयोजन 24 फरवरी को गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में होना निश्चित हुआ है। यह जानकारी नागार्जुन बौद्ध प्रतिष्ठान के महामंत्री प्रोफेसर करुणेश शुक्ल और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर छाया रानी ने संयुक्त रूप से आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में होंगे, वहीं प्रोफेसर अनंत मिश्र व्याख्यान माला में मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत करेंगे। दिनांक 24 फरवरी 2018 को नागार्जुन बौद्ध प्रतिष्ठान एवं संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम स्मृति व्याख्यान माला के रूप में आयोजित है, जिसमें यह आपको सूचना प्रदान की जा रही है कि 40 वर्षों से यह संस्थान कार्यरत है। इसके पूर्व 2010 में यह कार्यक्रम आयोजित हो चुका है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रातः कालीन सत्र में कार्यालय में पांडुलिपियों का छाया चित्र के माध्यम से प्रदर्शन किया जाएगा और उसमें प्रदर्शनी के माध्यम से इनके समस्त क्रियाकलापों को दिखाने का प्रयास किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पांडुलिपियों का संरक्षण करना और उसे सुरक्षित करना तथा नित्य प्रति इस कार्यालय के माध्यम से लोगों को इससे जोड़े रहना और इसमें आगे विकास कार्य की तरफ अग्रसर करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। जो हमारी पांडुलिपियाँ हैं वह लोगों के बीच में पहुँचे, लोगों को इसकी जानकारी हो कि हमारी प्राचीन पांडुलिपियाँ जो हैं वह कितने महत्वपूर्ण रूप में उसको सुरक्षित की गई हैं। इसी चीज़ को छायाचित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है और यह मिशन तत्वबोध व्याख्यान माला के रूप में दिनांक 24 फरवरी 2018 को 12:30 बजे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के संवाद भवन में आयोजित है और इसका विषय है महायान सूत्रों में बौद्ध संस्कृत का प्रयोग और इसके व्याख्यानकर्ता हैं प्रोफेसर विजय कुमार जैन जो कार्यकारी प्राचार्य हैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान लखनऊ परिसर से हैं। वो अलग अलग पांडुलिपि प्रदर्शनी में पांडुलिपियों का और हमारे संस्था के 40 वर्ष के क्रियाकलापों का विवरण फोटो के माध्यम से और कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित जो पांडुलिपियों के संरक्षण कैसे होता है इस विषय में फोटोग्राफ चित्रों के माध्यम से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी और गोरखपुर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में गोरखपुर विश्वविद्यालय के अमृत कला वीथिका में चल रहे 3 दिवसीय पोस्टर प्रदर्शनी का मंगलवार को समापन हो गया। 3 दिनों तक चलने वाले चित्रकला प्रदर्शनी में पूर्वांचल के अलग अलग क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन बेहतरीन ढंग से किया है। इसके समापन समारोह में मुख्य रूप से विश्वविद्यालय के कुलसचिव शत्रुघ्न वैश्य, ललित कला अकादमी के संदीप श्रीवास्तव, प्रोफेसर सत्येंद्र सिंह सहित कई कला प्रेमी छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रोफेसर सत्येंद्र सिंह ने अतिथियों का आभार ज्ञापन किया। इसके बाद कुल सचिव के द्वारा इस चित्रकला प्रदर्शनी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को विश्वविद्यालय की ओर से कैटलॉग वितरण किया गया। मेजबानी का अवसर इस प्रदर्शनी में जो गोरखपुर मंडल भदोही सोनपुर सोनभद्र जौनपुर शामिल है, इतने बड़े जगह को लेकर के गोरखपुर यहाँ के बारे में सबको भी कवर करता है, जबकि क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी वाराणसी को भी दिया जाता है, जिसमें तो आप सभी ने देखा है। और इससे सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे ललित कला संगीत विभाग के छात्र छात्राएं इससे काफी प्रभावित हुए हैं और काफी लाभान्वित हुए हैं। बहुत सारे स्कूल कॉलेज के बच्चों ने भी इस प्रदर्शनी को देखा, जो एक बहुत ही बड़ी बात थी। जो 3 दिनों तक ये प्रदर्शनी चली, 18, 19 और 20 आज समापन है, आज विदाई का अवसर है। इसलिए होता तो ये है कि जब बारात आती है तो बहुत भीड़ होती है, लेकिन जब विदाई का समय आता है तो चंद घर के लोग ही रह जाते, बाकी लोग चले जाते। लेकिन यहाँ मजबूरी ये है कि अभी तक आपको कैटलॉग नहीं दिया गया था। ये जितने भी इसमें अंकित नाम हैं कलाकारों के, तो मैं चाहूँगा कि आज आप यहाँ ये रिकॉर्ड शामिल होगा। बहुत सारे बच्चों ने और उसके बाद आप एक समापन तो नहीं करेंगे, आगे कोशिश करेंगे कि और मैं ऐसे करती रहूं, पर इस प्रदर्शनी का समापन होगा। अनुराधा चतुर्वेदी, अशरफ अली, अशरफ अली अपने साथियों के उत्साह के लिए भी झूला कल लगातार बजाते रहे, क्योंकि आपके अपने परिवार के लोग हैं अपने यहाँ के बैठे हुए। मानदेय की मांग को लेकर मंगलवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में संयुक्त संविदा कर्मी जनहित संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष मृत्युंजय पांडे के नेतृत्व में मोर्चे के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जिले के विभिन्न ब्लॉकों के संविदा कर्मी शामिल हुए, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय राम पांडे, उपेंद्र त्रिपाठी, अवनीश कुमार, अरविंद प्रजापति, कृष्णकांत यादव, अर्चना सिंह, पूजा मिश्रा, रुक्साना अंजलि त्रिपाठी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अध्यक्ष संयुक्त संविदा कर्मी जनहित संघर्ष मोर्चा के मृत्युंजय पांडे ने कहा, प्रेरक संघ जिंदाबाद, प्रेरक संघ जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, प्रेरक एकता की मांगे भी पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, प्रेरक एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, दे न सके जो अध्यक्ष प्रेरक संघ गोरखपुर 31 दिसंबर 2017 को हम शिक्षा प्रेरकों की संविदा सरकार ने समाप्त कर दी और हम लोग भुखमरी के कगार पे हैं। 22 महीने से हम लोगों का मात्र 2000 रुपये मानदेय है, वो अभी भुगतान नहीं हुआ। हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी संविदा सम्मानजनक मानदेय के साथ बढ़ाई जाए और हमारा बकाया मानदेय एक मुश्त हमारे खातों में भुगतान किया जाए, और जब तक हमारा मानदेय हमको भुगतान नहीं किया जाता है हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, चाहे वह जिला मुख्यालय हो, लखनऊ का विधानसभा घेराव हो या दिल्ली जंतर मंतर पे, हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमारा मानदेय जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। मंगलवार को टाउन हॉल स्थित कचहरी क्लब में चल रहे खादी एवं ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का समापन हो गया।
प्रदर्शनी के समापन समारोह में भोजपुरी गायक मनोज मेहर ने अपने सुरों से सबका मन मोह लिया। समापन के दिन भी प्रदर्शनी में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की जमकर खरीदारी की गई। एक क्षेत्र में पहुंच गया तो मेरी गायकी सफल होगी। अमित पांडे भैया जी को मैं धन्यवाद दूंगा इस कार्यक्रम में। बात नहीं, कभी कभी क्या होता है ना कि पशु पक्षियों की भीड़ होती है, वो हमारी आवाज सुनने के लिए तैयार है और भगवान ने आप लोगों को बात कहनी है गाना कर, अगर हो सके तो एक आध को डायलॉग हो जाए, उसके बाद फिर अगला गाना हो जाए। आप ये फिल्म में हिजाम नहीं, हमारा सपना रहल इतना बढ़िया कलाकार के बुलावे के, और आप सबके बीच में मनोज मिहिर हैं जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों में, आप एक बार मनोज की फिल्म को देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इनके दीवाने जरूर हो जाएंगे। एक सर, रंग बरसे चुनरिया में बरसे चुनरिया।
कभी नाच देखे हैं बाप जो नाच पार्टी चलती थी पहले देखे आप कभी आप लोग नहीं देखे मैं एक बार गया था तो छोटा था नाच देखने गया था मैं एक स्टाइल सुना रहा हूँ आपको क्योंकि मैं अरे हंसता हुआ नूरानी चीरा आग काली जुल फेरेंगी सुनीरा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुपालन में 21 फरवरी को मोबाइल लोक अदालत वैन गोरखपुर में आ रही है। ये वैन 21 फरवरी से 23 फरवरी तक 3 दिन जनपद में रहेगी, जिसके द्वारा ग्रामीण अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम व प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए सचिव श्रीमती चंचल ने बताया कि 21 फरवरी को लीगल एंड क्लिनिक सेंट एंड्रयूज लॉ कॉलेज एवं 22 फरवरी को लीगल एंड क्लिनिक ब्लॉक जंगल कौड़िया ग्राम सभा जिंदापुर तालिया लिखिया जंगल कौड़िया मुख्यालय व पीपीगंज तहसील सदर और 23 फरवरी को सीएससी सेंटर ग्राम डुमरी खास सरदार नगर व ग्राम ब्रह्मपुर चौरी चौरा गोरखपुर विधिक जागरूकता कार्यक्रम व प्रचार प्रसार किया जाएगा। वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज हरनही महुराव गोरखपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन समारोह उदा सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरनही गोरखपुर के परिसर में किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर रामज्ञा सिंह और डॉक्टर अक्षयवर सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा एनएसएस के स्वयंसेवियों से अपील किया गया कि वे अपने व्यक्तित्व में स्वावलंबन जगाने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र और समाज का विकास हो सके। इस अवसर पर संस्था के प्रबंधक श्रीमती अंशु सिंह ने कहा कि इस शिविर के माध्यम से छात्र छात्राओं में भाईचारा एवं सद्भावना के विचार पैदा होते हैं। इसी क्रम में सभी उपस्थित वक्ताओं ने एनएसएस संबंधित अपने अपने अनुभवों को साझा करते हुए उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित किया। मंगलवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 67वीं अंतर जनपदीय उत्तर प्रदेश पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर रेंज नीलाब्जा चौधरी द्वारा किया गया। इस मौके पर एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, एसपी नॉर्थ गणेश साह, एसपी क्राइम आलोक शर्मा, सीओ खजनीचारो निगम मौजूद रहे। उद्घाटन मैच बस्ती और सिद्धार्थनगर के बीच हुआ, जिसे बस्ती ने दीपक कुमार के शानदार 2 गोल की बदौलत ये मैच 2-0 से जीत लिया। एक अन्य मैच में कुशीनगर और श्रावस्ती के बीच हुआ, जिसे कुशीनगर ने 3-0 के अंतर से इस मैच को जीत लिया। प्रतियोगिता का संचालन एनपी गौड़ और पीटीआई नंदजी यादव ने किया। बताते चलें कि इस नॉकआउट प्रतियोगिता में जनपद की कुल 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं। देख रहे हैं बस्ती और संत कबीर नगर के बीच बस्ती की तरफ कभी संत कबीर नगर की तरफ, अभी भी दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर चल रही हैं।
बहुत एक अच्छा अवसर था गोल का। समय से उपस्थिति नितांत आवश्यक है, इस बात का ध्यान आप सबको रखना है। आप को अच्छा अवसर मिलना जरूर था तो अभी भी दोस्तों मुकाबले दो गोल की बड़ी बनाएंगे। मैं समाप्त हुआ बस्ती गोरखपुर न्यूज में देखने को मिलेगा बस्ती विजेता टीम आज की। हम इस मैच के मुख्य अतिथि एसी मध्य जोन के कोच अच्छा अवसर मिला था उसी नगर को पर वो चूके तुम चुकिया नहीं ना दोनों है? और कोई सुनना चाहते हो खास चल इधर आओ तुम इधर हमको जाओ बाल आ रहा है तो कल्पना में खड़ा था तुम मरे जा रहे भाई चल कुर्सी जाओ उधर कुर्सी में बैठे कुर्सी में लाज शर्म नहीं लग रहा है देखिए गोल हो गया और कुशीनगर कुशवाहा ने गोल किया। चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पे। गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए मंगलवार को 14 प्रत्याशियों सहित 17 लोगों ने किया नामांकन, माँ और बेटा भी आमने सामने। लोकसभा उपचुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन तैयार, डीएम और एसएसपी ने दी तैयारियों की जानकारी। भाजपा के जनसभा में कार्यकर्ताओं ने लोकसभा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल के जीत की भरी हुंकार। माइक्रो ऑब्जर्वरों का हुआ चुनावी प्रशिक्षण, दी गई तकनीकी जानकारियां। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार उड़न दस्ता टीम का हुआ गठन, दो अधिकारियों के बदले गए कार्य क्षेत्र। टूल पकड़ता जा रहा है चीफ प्रॉक्टर द्वारा छात्रों पर की गई कार्रवाई का मामला, छात्रों ने कुल सचिव का किया घेराव, की चीफ प्रॉक्टर के निलंबन की मांग। 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लूजी मतदाता जागरूकता रैली को करेंगे संबोधित।
गोरखपुर विश्वविद्यालय में भारतीय कला एवं शिल्प विषय पर आयोजित हुई व्याख्यानमाला, वक्ताओं ने रखे अपने विचार। 24 फरवरी को गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित होगा पांडुलिपि छाया प्रदर्शनी और तत्व बोध व्याख्यानमाला। 3 दिवसीय क्षेत्रीय चित्रकला प्रदर्शन का हुआ समापन, प्रतिभागियों को दिया गया कैटलॉग। मानदेय को लेकर संयुक्त संविदा कर्मी जनहित संघर्ष मोर्चा के लोगों ने नगर निगम पार्क में किया प्रदर्शन। खादी एवं ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ समापन। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार गोरखपुर में 21 फरवरी को आ रही है मोबाइल लोक अदालत वैन। वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज महुराव हरनही में आयोजित हुआ 7 दिवसीय एनएसएस शिविर, वक्ताओं ने रखे अपने विचार। और 67वीं अंतर जनपदीय उत्तर प्रदेश पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप का हुआ आगाज। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहे गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।